चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। सोशल मीडिया पर इस वक्त बॉलीवुड के मोस्ट आइकॉनिक कपल रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की शाही शादी की तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई है। 14 अप्रैल के दिन रणवीर और आलिया ने अपने घर वास्तु में बेहद शाही अंदाज में शादी रचाई थी। रणवीर और आलिया को लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं, जहां एक तरफ रणवीर और आलिया ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली अपने परिवार के सदस्यों और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में, वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिला कि न्यूली मैरिड कपल की तरफ से ये तमाम खबरें आईं। जिस तरीके से दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर ने दावा किया कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है मीडिया से जब वह रूबरू हुई शादी के बाद कि आप सभी आराम कीजिए, आप सभी आराम से जाकर सो जाइए, और रिसेप्शन पार्टी को लेकर उन्होंने कह दिया कि अब कोई भी रिसेप्शन पार्टी नहीं होगी। और ऐसे में लोग इंतजार करते हुए देखे गए कि कहीं ना कहीं न्यूली मैरिड कपल रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बीती रात देखने को मिला कि रणवीर आलिया ने एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया, एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की अपने ही घर पर, और इस पार्टी में शरीक हुए वो तमाम करीबी जो शादी में शामिल हुए थे, और कुछ ऐसे स्टार्स भी जो शादी में पहुंच तक नहीं पाए थे, जैसे कि किंग खान, शाहरुख खान और उनका परिवार। वेल, सोशल मीडिया पर इस वक्त वो तमाम वीडियोस सामने आ चुकी हैं, तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, रणवीर और आलिया के गेट टुगेदर की तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जश्न में डूबा हुआ नजर आया है पूरा ही कपूर खानदान। लेकिन इस दौरान देखने को मिला कि नीतू कपूर किस तरीके से मीडिया से बातचीत करती हुई देखी गई है, कैसा बर्ताव देखने को मिला है, आइए दिखाते हैं ये वीडियो। भाई तुमको हटो ना, दादा तुम हट जाओ ना, चलना आगे, चलना आगे, चलना रे, थोड़ा लाइट पीछे लेना, पीछे ना मोबाइल मोबाइल जो है। अरे दादा चलो ना अंदर, रोहित कौन है? रोहित कौन है? रोहित देखिए ना, हमको सता दिया नीतू जी, इधर नीतू जी, इधर देखिए नीतू जी, यहाँ देखिए नीतू जी, नीतू मैम इधर, नीतू मैम इधर, नीतू मैम इधर, इधर इधर नीतू जी, यहाँ देखिए जी, यहाँ पे नीतू जी, इधर 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 नीतू मैम, यहाँ पे ये मैम, यहाँ पे खुशी अपनी बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती। आप मुझे खुश के माँ से पूछ रहे हो कितने खुश हो, कम ऑन रोहित यार, रोहित वो है, ये रोहित ही रोहित ना, नो डर क्या। ओके, गुड नाइट सर, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, और आप सभी सो जाओ, आराम करो, एंड गुड विशेस टू द कपल। थैंक यू, बाय बाय, 26 को मिलेंगे, अंदर में मिलेंगे, अंदर मत हो, डेट भी पता ही। आप
सभी ने देखा जाना कि नीतू कपूर का लुक काफी ज्यादा शानदार नजर आया है, काफी स्टनिंग और एलिगेंट नजर आई हैं नीतू कपूर, तो वहीं उनकी बेटी रिधिमा कपूर सहानी भी इसी दौरान देखने को मिला कि मीडिया से बेहद अलग अंदाज में वह बातचीत करती हुई नजर आई है। लेकिन दूसरी ही तरफ नीतू कपूर अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई देखी गई। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को शेयर किया, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी कि कपूर साहब जो चाहते थे वह फाइनली पूरा हो चुका है। जी हाँ, नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की थी और तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, दिस इज डेडिकेटेड टू कपूर साहब, योर विश हैज बीन फुलफिल्ड, और साथ में रेड हार्ट इमोटिक भी शेयर किया, एक तस्वीर शेयर की रणवीर के साथ नीतू कपूर ने शादी के दौरान की। इस तरीके से नीतू कपूर ने अपने दिल की बात शेयर की। साथ ही साथ आपको बताते चले कि नीतू कपूर ने ये भी कहा कि वह अब अपनी लाइफ में काफी ज्यादा व्यस्त रहना चाहती हैं। इस तरीके से नीतू कपूर अपनी लाइफ को अकेले ही बिता रही हैं। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर की गुजर जाने के बाद वर्क फ्रंट के बारे में बात की जाए, नीतू कपूर आप सभी को नजर आएंगी फिल्म जोग जोग जियो में, और इस वक्त वह टैलेंट रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर्स को जज कर रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। Yeah.